गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में इनविटेशन के बारे में बताया था। देखो, आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने इनविटेशन बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से इनविटेशन बनाए जाते हैं। मिस्ट्रेस एंड मिस्टर दीक्षित हैव कंप्लीटेड 25 ईयर। मिस्ट्रेस एंड मिस्टर दीक्षित हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ देयर मैरिड लाइफ। यानी श्रीमती और श्रीमान दीक्षित ने अपने विवाह के 25 ईयर पूरे कर लिए हैं, शादी के 25 ईयर पूरे कर लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सिल्वर जुबली, यानी सिल्वर जुबली के अवसर पर दे हैव इनवाइटेड उन्होंने निमंत्रण दिया यू आपको फॉर ए डिनर पार्टी यानी रात्रि के भोजन के लिए। ऑन 25 अगस्त 2000 सन लिखनी है 8 PM है ना, 8 बजे 8 PM रेजिडेंस अपने निवास स्थान पर, जो इनका श्रीमती और श्रीमान दीक्षित का जो निवास स्थान है उस पर आपको एक निमंत्रण दिया है, यानी घर पर जीवने के लिए बुलाया। यू आर मिस्टर मुकेश अग्रवाल, आप श्रीमान मुकेश अग्रवाल हो। निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाले कौन हो? मुकेश अग्रवाल। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी फॉर्मल में रिप्लाई देना है, इसका स्वीकार करते हुए एक्सेप्टिंग इनविटेशन। अब सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, वी मेक ए बॉक्स। यहां ये बॉक्स बना लिया, यहां सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई AWCETTIN। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए जवाब देना, फॉर्मल इनविटेशन। अब देखो, एक बॉक्स बनाया, वी मेक ए बॉक्स, वी स्टार्ट देयर। अब देयर वी स्टार्ट, हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट रिप्लाई टू देम, यानी सबसे पहले हम लिखने वाला है, यानी जवाब देने वाला जो व्यक्ति होता है। जैसे मैंने किसी सदस्य से, किसी रिलेशनशिप से निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है तो उसका मैं उसको जवाब दूंगा कि उसके फंक्शन में आना है या नहीं आना है। तो यहाँ रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे। अब यहाँ रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन था? देखो, दे हैव इनवाइटेड यू, उन्होंने किसने, मिस्ट्रेस यानी श्रीमती और श्रीमान दीक्षित ने, श्रीमती और दीक्षित ने, ये कौन हो गए, श्रीमती और श्रीमान दीक्षित हो गए, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया। आप कौन हो? यू आर मिस्टर मुकेश अग्रवाल, आप श्रीमान मुकेश अग्रवाल हो। तो यहां किसका नाम आएगा? मुकेश अग्रवाल। रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे MUKESH अग्रवाल, AGRAWAL हार्टली थैंक्स फॉर, थैंक्स टू। अब किसे धन्यवाद दे रहे हैं, यानी निमंत्रण पत्र जिसने दिया है उस व्यक्ति को धन्यवाद देना। यहां तो सबसे पहले मुकेश अग्रवाल हो गया, रिप्लाई करने वाला व्यक्ति, रिप्लाई यानी निमंत्रण का जवाब देने वाला व्यक्ति मुकेश अग्रवाल, हार्टली थैंक टू। अब मुकेश अग्रवाल किसको धन्यवाद देगा? मिस्ट्रेस एंड मिस्टर दीक्षित, मिस्ट्रेस एंड मिस्टर दीक्षित फॉर। अब देखो, यहां
अगर इनमें से एक होता पुरुष होता तो की जाती, स्त्री होती तो हराता, लेकिन दोनों है मिस्ट्रेस एंड मिस्टर, श्रीमती और श्रीमान, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों है, तो दोनों के लिए डियर आई फॉर देयर डियर काइंड ऑफ इनविटेशन, काइंड इनविटेशन टू अटेंड द पार्टी, पार्टी देगा टू अटेंड द पार्टी, पार्टी क्या है देखो इसमें पार्टी कब ऑन 25th AUGUST 2022 एट 8 PM है ना, ऑन 25th August 2022 8 PM है ना, ऑन द ऑकेजन, यहां रेजिडेंस भी लिख सकते हो जैसे 8 PM एट रेजिडेंस RESIDENCE ये लिख दिया, इसके बाद लिख दो ऑन द ऑकेजन OCCASSION ऑफ ऑन द ऑकेजन ऑफ सिल्वर जुबली, यानी शादी की सालगिरह सिल्वर जुबली SILVER JUBILY सिल्वर जुबली ऑफ डियर मेंस MARRIAGE योगी। अब इसके बाद तुमको लिखना है यहां मुकेश है, तो मुकेश का क्या होगा, ही अगर लड़की होती तो सी होता, अगर एक से ज्यादा होता जैसे मिस्ट्रेस एंड मिस्टर, पति और पत्नी दोनों होते हैं या फ्रेंड जो भी, एक से ज्यादा व्यक्ति होते थे, ये कहां आएंगे यहां। अब देखो मुकेश है, लड़ाई करने वाला मुकेश है तो उसको शुभकामना भी देगा, यानी स्वीकार करते हुए जैसे ही हैज मच प्लीजर इसको कॉलम में बंद कर देंगे हम, अब देखो वापिस देख लो मिस्ट्रेस एंड मिस्टर दीक्षित हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ देयर मैरिड लाइफ, यानी श्रीमती और श्रीमान दीक्षित ने अपने जीवन काल के यानी विवाह के 25 वर्ष कंप्लीट कर लिए, पूरे कर लिए हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दियर सिल्वर जुबली यानी सिल्वर जुबली के अवसर पर दे हैव इनवाइटेड यू, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है फॉर डिनर पार्टी ऑन 25th August 2000 है ना, जो भी सन है यानी 25 अगस्त 2000 है ना, 22 को 8 PM 8 बजे आपको निमंत्रण दिया है, एट दियर रेजिडेंस अपने निवास स्थान पर, अपने जो रेजिडेंस निवास स्थान पर है उस पर वहीं पर आपको बुलाया है। यू आर मिस्टर मुकेश अग्रवाल, आप श्रीमान मुकेश अग्रवाल राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए फॉर्मल में यानी औपचारिक में आपको एक जवाब देना है। अब देखो सबसे पहले बॉक्स बनाने से पहले फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई, ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि फॉर्मल में इसका एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए जवाब दिया गया है। अब देखो मुकेश अग्रवाल हार्डली थैंक्स, मुकेश अग्रवाल आपको हृदय से धन्यवाद देता है, टू मिस्टर एंड मिस्टर वो मिस्टेस एंड मिस्टर दीक्षित यानी श्रीमती और श्रीमान दीक्षित को अपने हृदय से धन्यवाद देता है, खुश होकर धन्यवाद देता है फॉर दियर काइंड इनविटेशन, उनकी दया भरे दयालु भरे
निमंत्रण पत्र के लिए टू अटेंड द पार्टी, यानी उनकी दावत में शामिल होने के लिए, ऑन 25th August 2022 8 PM एट रेजिडेंस ऑन द ऑकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज, यानी उनकी शादी की अवसर पर जो सिल्वर जुबली फंक्शन था उस पर निमंत्रण देने के लिए। देखो फोर्थ ईयर काइंड इनविटेशन, अपने दया भरे निमंत्रण में टू अटेंड शामिल होने के लिए द पार्टी ऑन 25th August 2022 यानी 25 अगस्त 2022 को उन्होंने एक पार्टी रखी अपने घर में सिल्वर जुबली के अवसर पर अपनी शादी की 25वीं सालगिरह एट रेजिडेंस निवास स्थान पर ऑन द ऑकेजन ऑफ सिल्वर जुबली डियर मैरिज, अपनी शादी की सिल्वर जुबली के अवसर पर उन्होंने 25वीं सालगिरह पर एक दावत रखी है। ही हैड मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, यानी ही हैड मच बहुत अधिक प्लेजर खुशी है टू इसे टू एक्सेप्ट स्वीकार करते इट इसे, यानी उसे यानी मुकेश को जो श्रीमती और श्रीमान दीक्षित ने निमंत्रण पत्र दिया था उसे स्वीकार करके बहुत बड़ी खुशी हुई है।